पठानकोट आतंकी हमले में सुर्खियों में रहे पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ गुरदासपुर में 2016 में बलात्कार करने और रिश्वत लेने का मामला दर्ज हुआ था। इस केस में एसपी की पहली ही अगाऊं जमानत रद्द हो चुकी थी, जिसके चलते एसपी सलविंदर सिंह ने गुरदासपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस मौके पर पुलिस अधिकारी आजाद दविंदर सिंह ने बताया कि एसपी सलविंदर सिंह पर गुरदासपुर सिटी थाने में छेड़छाड़, बलात्कार, रिश्वत लेने के दो केस दर्ज थे, जिनमें से बलात्कार और रिश्वत के केस में एसपी की तरफ अगाऊं जमानत की पटीशन रद्द हो गई थी, जिसके कारण आखिरकार एसपी को गुरदासपुर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद एसपी सलविंदर सिंह को गुरदासपुर जेल भेज दिया गया है। गुरदासपुर से जाट टीवी न्यूज़ के लिए रशपाल सिंह की रिपोर्ट। हाँ, उन्होंने एसपी सलविंदर सिंह ने आज सीजेएम की कोर्ट के 111 नंबर मुकदमा 376 दर्ज है, वो सरेंडर करता। एक मुकदमा होर इन्होंने खिलाफ दर्ज है 166 नंबर 354 का, उन्होंने वो अवेलेबल सेगा तो इन्हों की सिलेंडर हो गया वा कोर्ट की इजाजत लैके इन्होंने शामिल तमीज करके तो जुडिशल भेज दिया जाएगा। सर 166 नंबर से 354 का वो अवेलेबल आ, तो 111 बच्चे इन्होंने 376 कोर्ट सिलेंडर किया वा। कोई रिमार्क लिख रही है, दरखास्त लिखी है जी, जज साहब भेज दे दरखास्त लिख के। सर अपने अमृतसर से